को नौकरी चाहिए चाहिए या सरकार आपको बना भी सकते हैं और सरकार बना भी सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। देश के कई हिस्सों में इन दिनों आग लगी हुई है, खास तौर से उस राज्य में जहां का मैं रहने वाला हूं, यानी बिहार। अग्निपथ योजना के खिलाफ नौजवान सड़कों पर है। बिहार में कई ट्रेनें फूंक दी गई, बीजेपी के कई दफ्तरों को जलाकर राख कर दिया गया है, कई जगहों पर बसों को आग लगा दी गई, सरकारी संपत्तियां तबाह कर दी गई। यूपी के भी कई इलाकों में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली। मामला चाहे जौनपुर का हो जहां बस को जला दिया गया, या फिर अलीगढ़ में टप्पल के पास जहां पुलिस चौकी फूंक दी गई, घंटों तक एक्सप्रेसवे जाम रहा। बनारस में भी नौजवान लाठी डंडे लेकर सड़क पर उतर पड़े। बलिया में, जो बिहार से सटा हुआ इलाका है, वहां भी कुछ इसी तरह के विरोध और प्रदर्शन की तस्वीरें आई। हरियाणा में भी कुछ इसी तरीके की कहानी दिखी, कई जगहों पर नौजवान सड़कों पर उतर आए। सुदूर दक्षिण में तेलंगाना में भी ये हुआ और एक नौजवान की जान तक चली गई। अब तक 9 से 10 राज्यों में इस योजना के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि जो ट्रेन फूंकी जा रही है, हिंसा किया जा रहा है, ये गलत है। विरोध का ये कौन सा तरीका है? लोकतांत्रिक पद्धति में, लोकतांत्रिक देश में ये विरोध का कौन सा तरीका है? आप इसे कैसे जायज ठहरा सकते हैं? बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन सबसे पहले हम उस तरफ आते हैं जहां से ये बखेड़ा शुरू हुआ। बखेड़ा इस बात से हुआ जब कैबिनेट की बैठक के बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निवीर स्कीम के बारे में बताया कि किस तरीके से 17.5 से 21 साल तक के नौजवानों को नौकरी मिलेगी 4 साल के लिए, उन्हें कितनी कितनी तनख्वाह मिलेगी पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, और फिर आखिर में उनके पास एक पैसा भी जमा हो के रह जाएगा, और फिर वो लोग नौकरी से बाहर कर दिए जाएंगे। उनमें से 25% नौजवानों को जो सैनिक बने हैं, जिनको कहा जा रहा अग्निवीर, उनको सेना में भर्ती कर दिया जाएगा। इस ऐलान के साथ ही अचानक से हंगामा मच गया और उसके बाद जो स्थिति है कि कंट्रोल में नहीं आ रही है। लोग ये कह रहे हैं कि विरोध का ये तरीका इसे कैसे सही ठहरा सकते हैं। मेरे एक मित्र हैं निखिल दुबे, उन्होंने लिखा है, उसको मैं कोट करना चाहूँगा क्योंकि उससे चीज़ें और तस्वीरें कुछ साफ होंगी। वो लिखते हैं, हिंसा का विरोध ज़रूरी है, लेकिन उस हिंसा को मत भूलना जिसने उम्मीदों की दुनिया उजाड़ दी है। आग के तस्वीरों के नीचे उन अंगारों को भी खोजना जिन्होंने किसान के आंगन में सपनों को कोयला बना दिया है। ये देश जितना गांधी से सीखता है उतना ही भगत सिंह से भी, और ये बात सही भी है। आखिर क्यों मजबूर होकर नौजवानों को ट्रेनों में आग लगानी पड़ी? बिहार के उपमुख्यमंत्री रेणु देवी के घर पर हमला करना पड़ा। बिहार में बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर हमला हुआ। कई ऐसी कहानियां हैं, ये हमला कहीं से जायज नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि विरोध प्रदर्शन का यह तरीका सही नहीं है। कई जगहों पर मुकदमे हुए, गिरफ्तारियां भी हुई, यूपी में भी, बिहार में भी, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो घटना हुई, बिहार में जो घटना हुई, यूपी के कानपुर में जो घटना हुई, उन सब के बारे में कहा जा रहा है कि कुछ कोचिंग संचालक, जो कोचिंग सेंटर चलाने वाले होते हैं, जो ये फिजिकल ट्रेनिंग कराते हैं कि आप ऐसे ऐसे दौड़ कूद करेंगे तो आपको सेना में भर्ती हो जाएगी आपकी, कहा जा रहा है कि उन लोगों ने भी नौजवानों को उकसाया, उसके पीछे कोचिंग संचालक हो सकते हैं, हो सकता है ऐसा हुआ। लेकिन ये नाराजगी और ये जो गुस्सा है ना नौजवानों का, जो बेरोजगार हैं, सालों से जिनमें सेना में भर्ती नहीं हुई है, कोविड के कारण पिछले 3 साल से सेना में भर्ती नहीं हुई है, 12 लाख की भारतीय सेना की स्ट्रेंथ है जिसमें थल सेना, जल सेना, नौसेना है, अमूमन हर साल करीब 50,000 की भर्ती होती है, 3 साल से कोई भर्ती हुई नहीं है, तो आखिर बेरोजगार करे तो क्या करे? आप उसके खिलाफ तमाम तरह की बातें कह रहे हैं, उन्हें आप चोर, उचक्के, मवाली, गुंडे सब तक कहा जा रहा है। सोशल मीडिया में इन नौजवानों के बारे में क्या क्या नहीं कहा जा रहा है, कहा जा रहा है विपक्ष के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। लेकिन क्या बात इतनी सतही है? क्या बात यहीं तक खत्म हो जाती है? वो मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये जो कहा जा रहा है कि इस स्कीम को लॉन्च करने के पीछे 4 साल की मेहनत है, जो CDS विपिन रावत नहीं कह रहे, कहा जा रहा है कि उनका ब्रेन है, ये
उन्होंने इसके बारे में सोचा था। लेकिन अगर 4 साल की आपके आपका ये होमवर्क सही रहा होता तो आखिर ये क्यों होता कि सरकार ने जब देखा कि बेरोजगारों में, नौजवानों में इतना गुस्सा है, उसके बाद अचानक से उसमें संशोधन होने लगते हैं, सुधार किए जाने लगते हैं। पहले क्या हुआ कि उम्र सीमा बढ़ाकर पहले अटेम्प्ट के लिए, पहले साल के लिए 23 साल कर दी गई। फिर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके जानकारी दी कि सेंट्रल पारा मिलिट्री फोर्स, जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं, वो भले ही CRPF हो, SSB हो, ITBP हो, CISF हो, इन सब में 10% आरक्षण मिलेगा अग्निवीरों को, उनको नौकरी के लिए, जो लोग 4 साल नौकरी करने के बाद बाहर निकल जाते हैं उनके लिए। फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कुछ देर पहले ट्वीट आया कि रक्षा मंत्रालय में जो दूसरे सिविल नौकरियां हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड हो गया या उनके पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, ऐसी 22 PSU हैं, वहां भी इनको नौकरी में आरक्षण मिलेगा। पर जब हमने कुरेदा और जानने की कोशिश की तो जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट था, जो उन्होंने जानकारी दी कि 10% रिजर्वेशन मिलेगा, वो तो पहले से ही पूर्व सैनिकों को मिल रहा है। पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती के लिए पहले से ही रिटायर्ड फौजियों को 10% आरक्षण मिल रहा है, उसी में से ये भी मिलेगा। यानी कोई नई बात नहीं हो रही है। आप कुछ कुछ सुधार कर रहे हैं, इसका मतलब आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ कमी तो रही होगी। तो क्यों ना हम कह सकते हैं कि आखिर किस जल्दबाजी में इस फैसले का ऐलान किया गया। कुछ लोग इसे 2024 के चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं कि चूंकि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, नौजवान बेचैन हो रहा है। सालों से मैंने देखा है नौजवानों को गाजीपुर मऊ से लेकर बिहार के छपरा, सिवान, गोपालगंज में सवेरे आप निकलेंगे सड़क पर, कोई भी अगर गाड़ी से आप निकलेंगे तो आप देखेंगे लोगों को दौड़ की प्रैक्टिस करते हुए। ऐसा नहीं है उत्तराखंड की तरह कि बिहार और यूपी के अधिकतर लोग सेना में ही भर्ती हो जाते हैं, जैसा राजस्थान में या फिर उत्तराखंड में होता है। लेकिन यूपी, बिहार जैसे इलाकों में सरकारी नौकरी को लेकर के एक ज़्यादा आग्रह होता है, उनमें एक सम्मोहन होता है। मैं एक नौजवान को सुन रहा था TV पे, उसने कहा कि सिर्फ बात नौकरी की नहीं है, बात उस यूनिफॉर्म नौकरी की है। जब आप वर्दी पहन लेते हैं ना तो एक उसका जोश होता है, उसका एक जुनून होता है। वो सरकारी नौकरी भर की बात नहीं है, और इस नौकरी के लिए उसमें नौकरी में जाएं और 4 साल के बाद आप बाहर कर दिए जाएं तो फिर क्या होगा आपके सामने? फिर आप एक बार सड़क पर आ गए? सवाल बहुत सारे हैं इन नौजवानों के मन में, इसीलिए उन नौजवानों के सवालों का जवाब तो देना ही होगा। और ऐसा नहीं है कि ये जो नौजवान जो आज गुस्से में दिख रहे हैं, जो ट्रेन फूंकते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्हें क्या से क्या कहा जा रहा है सोशल मीडिया में, BJP के कुछ नेता उनके बारे में अनाप शनाप बयान भी दे रहे हैं, कहा जा रहा है वो दिग्भ्रमित हो गए हैं, वो विपक्ष के हाथों में खेल रहे हैं। लेकिन खतरे की घंटी आज नहीं बजी थी, बहुत पहले बजी थी। चूंकि मैं यूपी के राजनीति को कवर करता रहा हूं, इसीलिए उस खतरे की घंटी पहली बार मैंने तब सुनी थी जब इसी साल यूपी में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, प्रचार का काम चल रहा था। मामला गोंडा का है, यूपी में एक शहर है गोंडा। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां गए थे चुनाव प्रचार करने के लिए। वे जब भाषण दे रहे थे, अचानक से भीड़ से आवाज़ आने लगी और उसमें कहा जाने लगा कि आर्मी, सेना की भर्ती चालू करो। सेना भर्ती चालू, अच्छा अच्छा, होगी 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 होगी, हाँ होगी 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 होगी, चिंता मत। अरे भाई होगी, सुन जाओ, चिंता मत करो नौजवानों, तुम लोगों की चिंता हम लोगों की है, ठीक होगी होगी। कोरोना के कारण कुछ समस्याएं आ गई थी, होगी, चिंता मत करो। अब तो बोलो जोर से, बोलो भारत माता की। कई नौजवान वहां पर बोलने लगे और बीच में ही भाषण रोकना पड़ा और राजनाथ सिंह को यह कहना पड़ा कि हाँ, इस पर काम होगा, जल्द काम होगा। सरकार को उसी वक्त उस खतरे की घंटी को समझ लेना चाहिए था। मैंने देखा था यूपी के चुनाव में ही, जब प्रियंका गांधी वाड्रा गई थी कुछ जगहों पर, तो नौजवानों ने खड़े होकर कहा था कि 3 साल से कोविड में कोई नौकरी नहीं मिल रही है और सेना की भर्ती जो है वो बंद हो गई है, हम सेना की भर्ती के लिए दौड़ कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस हिसाब से अपने को तैयार कर रहे हैं, हम क्या करें। खतरे की घंटी तब ही नहीं बजी थी, कई जगहों पर, शहरों में अलग अलग, राजस्थान के कई शहरों में, यूपी के कई शहरों में शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन तब सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंगी।
सरकार ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। अब आप कहेंगे सरकार ने तब सुना, सरकार को तब लगा कि हम में कुछ न कुछ कमी रह गई है जब ट्रेन और स्टेशन और बसें और तमाम सरकारी संपत्ति जलाकर राख कर दी गई। ऐसा होना उचित नहीं था, किसी भी तरीके की हिंसा को जायज नहीं ठहरा सकते। लेकिन मैंने यही बात कही पहले कि देश जितना महात्मा गांधी से सीखता है उतना ही सरदार भगत सिंह से भी, शहीद भगत सिंह से भी सीखता है। एक सब्र होता है, वो सब्र का बांध टूट रहा। आप सोचिए जिनकी उम्र निकल जा रही है, जो किसी दूसरी नौकरी में भर्ती नहीं हो सकते, बिहार की हालत आप जानते हैं, वह इंडस्ट्री नहीं है, उद्योग नहीं है, जो लैंड होल्डिंग होता है, लोगों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, खेती भी उतनी अच्छी नहीं होती है। अब वहाँ का पढ़ा लिखा नौजवान करे तो क्या करे, सरकारी नौकरी एक बड़ा सहारा है, दूसरे विभागों में सरकारी नौकरी निकल नहीं रही है, सेना में एक बड़ी उम्मीद होती थी और सेना में ये हो गया कि 4 साल की नौकरी कर लो, उसके बाद क्या करेंगे, ठन ठन गोपाल। बात सही है कि सेना में रिफॉर्म होना चाहिए, अचानक से सरकार ने अपनी बात रखने के लिए, कि लोगों को समझाने के लिए पूर्व सैन्य अधिकारियों की एक फौज खड़ी कर दी, जो टेलीविजन स्क्रीन पर आकर के, टीवी न्यूज चैनलों में आकर के अपनी बात बता रहे हैं, सरकार का पक्ष रख रहे हैं कि भाई कह रहे हैं कि ये जो पेंशन मिलता था पेंशन में ही अधिक पैसा खर्च हो जाता है, मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पा रहा है आर्मी में, तो इन सब चीज़ों के लिए उस पर ध्यान लगाना होगा। जो सेना में जो लोग हैं उनकी जो एवरेज एज है वो 32-33 साल हो गई है, इस तरीके की अग्निपथ की स्कीम से 23-24 साल तक पे वो नौजवानों की उम्र हो जाएगी। अब लड़ाई के युद्ध के तरीके बदल गए हैं, तकनीक आ गया है, इसीलिए इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये बात तो आप समझा के कह सकते थे, कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले जिनके बारे में आप फैसला ले रहे हैं उनको जागरूक करना चाहिए था। आखिर किस बात की इतनी जल्दबाजी थी, ये जो आप नए नए सरकार रोज उसमें कुछ ना कुछ बदलाव कर रही है कि ये कहा जा रहा पारामिलिट्री फोर्स में आपको रिजर्वेशन दे देंगे नौकरी में, या फिर रक्षा मंत्रालय में सिविल नौकरियों में आपको रिजर्वेशन दे देंगे, या फिर कई राज्य सरकारें, मैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा का सुन रहा था कि वहाँ की पुलिस में उनको नौकरी मिलेगी। भाई तो नौकरी मिलेगी तो उसके लिए आदेश निकालो, उसके लिए कानून बनाओ और आप कहो कि भाई अग्निवीर स्कीम से जो निकल जाएंगे 75% बच्चे वहाँ से 4 साल की नौकरी करने के बाद, तो उनको मान लीजिए, चाहे मामला यूपी का ही हो, मैंने देखा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट का कि उनको प्राथमिकता दी जाएगी, तो कितना परसेंट रिजर्वेशन देंगे, यूपी पुलिस के कांस्टेबल में भर्ती होगी या सब इंस्पेक्टर में भर्ती होगी, तो उसमें अग्निवीर से निकले हुए कितने लोगों कितना परसेंट रिजर्वेशन देंगे, वो एक मुकम्मल बात चाहते हैं। क्योंकि वादों वादे वादे वादे, आपने देखा होगा ना, तारीख दर तारीख, इन बेरोजगारों के साथ भी कुछ यही होता रहा, उन्हें तारीख दर तारीख मिलती रही, वायदों पर वायदे मिलते रहे। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कहा गया कि इतने करोड़ रोजगार मिल जाएंगे और ये हो जाएगा फलाना हो जाएगा, बातें बहुत सी कही गई, लेकिन देश की सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में वो है बेरोजगारी, माँ बाप की उम्मीदों के सपने, घर चलाने की एक जिम्मेदारी, बढ़ती उम्र, नौकरी कहीं है नहीं, आदमी जाए तो जाए कहाँ, क्या करे, और वही गुस्सा आज सड़कों पर फूट पड़ा है। सरकार को भी इस बात का एहसास है कि मामला गंभीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो सबसे बड़े कम्युनिकेटर हैं, वो जो बात कहते हैं लोग उनकी बात को सुनते और समझते हैं, शायद कहीं उन्हें ही सामने आना पड़े, क्योंकि जिस तरीके के हालात हो रहे हैं देश के कई हिस्सों में, और आप उनके साथ लाठी डंडे से उनको आप नहीं समझा सकते, क्योंकि उनके सब्र का बांध इतनी देर तक टूट चुका है, इतनी दूर तक खत्म हो चुका है कि उनके आगे अब सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, और जब कोई इस मानसिक स्थिति में आ जाता है तो मारने पर उतार हो जाता है। मैं एक बार फिर कहूँगा कि हिंसा कहीं से भी सही नहीं है। जो बच्चे आज प्रजोर प्रदर्शन में उतरे हैं उनमें से कईयों पर मुकदमे हो जाएंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, ये भी तमाम सोशल मीडिया में एक पक्ष की तरह से दावा किया जा रहा है कि मुंह पर कपड़े ढक करके लोग पत्थर फेंक रहे हैं, गाड़ियां जला रहे हैं, ये कोई नई बात तो है नहीं, पहले भी होती रही है, सीसीटीवी फुटेज में तोड़ते फोड़ते दिख रहे हैं, हो सकता है उसमें कुछ उपद्रवी तत्व हों, लेकिन मामला जो है, जो बहस का मुद्दा है और जो बातें नौजवानों की है, जो उनकी चिंताएँ उनके मन में जो शक और सुबह हैं, उनको तो खत्म किया ही जाना चाहिए। आज की ऑफ द रिकॉर्ड में बस इतना ही, फिर अगले किसी मुद्दे पे आप सबसे बात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।